हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक वेबसाइट का रिव्यू लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वेबसाइट में क्या क्या मिलता है, कितने रेट में मिलता है, इसमें आपको शॉपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए मेरी वीडियो में अंत तक बने रहे। जिस वेबसाइट का रिव्यू मैं आप लोगों के सामने करने जा रही हूँ, उस वेबसाइट का नाम है dressblue.com। इसमें क्या क्या मिलता है वह तो आप मेरी स्क्रीन में भी देख सकते हैं, वो भी प्राइस का संग। वैसे तो जब मैंने इस वेबसाइट को चेक किया, मुझे इसमें लेडीज़ के लिए एक से बढ़कर एक ड्रेस नजर आए। जैसे मर्जी ड्रेस आप इस वेबसाइट में देख सकते हैं, वो भी बहुत कम प्राइस में। आप चाहे तो इस वेबसाइट को खुद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस वेबसाइट को चेक करेंगे, इसके प्राइस इतने कम है कि आप इसमें तुरंत ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर करने से पहले इस वेबसाइट की छानबीन कीजिए, उसके बाद ही इसमें ऑर्डर कीजिए। ये जितनी भी नई वेबसाइट हो, कम प्राइस की वेबसाइट होती है ना, उसका ऐड बड़ी बड़ी साइट में देते हैं लोग, जैसे यूट्यूब में, गूगल में, फेसबुक, इंस्टाग्राम में। मैंने भी इसका ऐड यूट्यूब में देखा था। जब मैंने इसका ऐड यूट्यूब में देखा तो मैंने वेबसाइट चेक की। जब मैंने वेबसाइट चेक की तो मैंने देखा एक से बढ़कर एक ड्रेस बहुत कम प्राइस में दे रहे। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये वेबसाइट पूरी तरह से फेक है। इसमें बिल्कुल भी शॉपिंग ना करें और जल्दीबाजी में ऑनलाइन पेमेंट तो बिल्कुल मत कीजिए। और अब आप सोचेंगे सीओडी का ऑप्शन तो इसमें उसी को ले लेते हैं, लेकिन जब आप सीओडी का ऑप्शन लेंगे तो घर तक तो आपके पार्सल आएगा, लेकिन जो मर्जी देके चले जाएंगे, फिर आप इनको रिटर्न भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार ऑर्डर करने के बाद और पेमेंट करने के बाद सारे ऑप्शन गायब हो जाते हैं, जैसे रिटर्न का, रिफंड का और कैंसिल का। इसलिए इसमें शॉपिंग बिल्कुल मत कीजिए, वरना आपके संग भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। जैसे कि ये लोग अपना ऐड हर बड़ी बड़ी साइट में देते हैं और हर किसी के नज़र के सामने इस तरह का ऐड आ जाता है, क्योंकि हर कोई आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करता है, क्योंकि किसी के पास समय नहीं होता। जब इस तरह का ऐड देखते हैं तो वो वेबसाइट में पहुंच जाते हैं और जब देखते हैं इतने कम प्राइस के एक से बढ़कर एक दे रहे, तो तुरंत ऑर्डर कर देते हैं बिना छानबीन किए बिना। बहुत सारे जो हमेशा शॉपिंग करने वाले भी अक्सर ऐसी गलती कर देते हैं, वेबसाइट पर पहुँचने के बाद जब उन्हें ड्रेस पसंद आती है तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं, ऑर्डर भी कर देते हैं। लेकिन जो हमेशा शॉपिंग करते हैं, कोई तो इसमें छानबीन भी कर लेते तो वो बच जाते हैं, लेकिन जो छानबीन नहीं करते उनके संग फ्रॉड हो जाता है। लेकिन जो कभी कभी शॉपिंग करते हैं या कभी नहीं करते, वो जब इस तरह का ऐड देखते हैं तो वो ढेर सारा ऑर्डर कर देते हैं। जब ढेर सारा ऑर्डर कर देते तो उनके घर तक कुछ नहीं आता, सब फेक आता है, बेकार चीज़ देके चले जाते हैं, फिर वो उनको रिटर्न भी नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि इतने कम प्राइस का एक से बढ़कर एक ड्रेस दे रहे हैं, ये रियल है या फेक है, कैसे पता करें? क्योंकि उनके मन में सवाल होता है कि ये रियल है या फेक है, शॉपिंग करना चाहिए या नहीं। तो आपको पता ना चले तो आप यूट्यूब में या गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में वीडियो जरूर मिल जाएगी। मैंने भी बहुत सारी फेक वेबसाइट के ऊपर वीडियो बनाई, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाए कौन कौन सी वेबसाइट फेक है, फिर आप फ्रॉड होने से बच सकते हैं। बस मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा इसको आप शेयर करेंगे, इतना लोग फ्रॉड होने से बच सकेंगे और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कमेंट तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे पता चलता है किसके संग फ्रॉड हुआ, कौन फ्रॉड होने से बच गया। और यदि आप कोई मुझे पूछना चाहते हैं फेक वेबसाइट के बारे में तो मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई जरूर करती हूँ। बस मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना रखना को बहुत।